सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके वीवो i12। जी हाँ दोस्तों, वीवो i12 के कुछ टॉप हिडन फीचर के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आएगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा वीवो i12। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका हिडन फीचर के बारे में। तो सबसे पहला फीचर है दोस्तों, इसको नीचे से स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट स्क्रीन मोड। ये दोस्तों यहाँ पर नहीं दिखेगा, आप लोग यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डन कर देते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग कट कर देते हैं और फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्मार्ट स्क्रीन मोड। इसको आप लोग जैसे टच करोगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप वन हैंड से इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग वन हैंड से इसको चला सकते हैं और इसको आप लोग छोटा भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जस्ट क्लिक कर देना होगा यहाँ पर आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं आप लोग इसको, और यहाँ पर छोटा करके यहाँ पर आप लोग इधर और लेफ्ट या राइट साइड आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला ट्रिक के बारे में जानते हैं, चलिए। सो दोस्तों, इस फ़ोन का OTG यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको ये हमेशा ऑन नहीं रहता है, ये ऑफ हो जाता है। तो इसको ऑन कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, जब USB ड्राइव लगाएंगे तो आप लोग जब USB ड्राइव लगाते हैं तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ये हमेशा ऑन नहीं रहता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ वाला सेटिंग क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पर आप लोगों को जस्ट क्लिक कर देना होगा और नेविगेशन जेस्टर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। आपका देख लीजिए दोस्तों, जो यहाँ पर नेविगेशन है वो गायब हो गया है। अगर आप लोग मैं इस तरह करूँगा तो ये कट हो जाएगा, और इस तरह करूँगा तो दोस्तों इस तरह करूँगा। सो दोस्तों, अगर इस तरह आप लोग करोगे तो वन बैक होगा, और इस तरह करोगे तो ये रिसेंट खुल जाएगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग और अगला देख लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर नेविगेशन की पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर ऑर्डर है स्टाइल ऑफ नेविगेशन के, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना आप कस्टमाइज कर सकते हैं नेविगेशन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, किस किस टाइप का यहाँ पर नेविगेशन आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर नीचे उसका कलर भी, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ का जो होता है दोस्तों, यहाँ इसका बैकग्राउंड यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से चेंज हो रहा है यहाँ बैकग्राउंड, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहां से आप लोग इसका नेविगेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मोटर बाइक मोड। दोस्तों इसको अगर आप लोग ऑन करते हैं तो देख सकते हैं ऑटो रिजेक्ट कॉल और ऑटो रिस्पॉन्ड विथ SMS अबाउट मोटर बाइक मोड। तो अगर आप लोग मोटरसाइकिल अगर ड्राइव करते हैं तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं बैक, और मैं आप लोगों को अगला सेटिंग यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगला सेटिंग आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड, इसको दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर ये ऑन करके आप लोग यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ऐप आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर जो गेम का होता है बूस्ट कर देता है, और बैकग्राउंड कॉल और ब्लॉक नोटिफिकेशन कर देता है ये। तो दोस्तों ये भी अच्छा फीचर है इसमें, इसको ऑन कर लीजिएगा गाइस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले एंड वॉल ब्राइटनेस, यहाँ पर आप लोगों को जस्ट क्लिक कर देना है
और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आप लोग ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रहेगा आपका फॉन्ट स्टाइल जो डिफ़ॉल्ट में है। और यहाँ से आप लोग नीचे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि डाउनलोड मोड दिया है। उसके बैक कर देते हैं, यहाँ पर डार्क मोड है गाइस, इसको ऑन कर लीजिए, मैं तो ऑन किया हूँ। उसके बाद बैक हो जाते हैं और यहाँ पर जो होता है आप ऑटो ब्राइटनेस कर सकते हैं, आई प्रोटेक्शन इसको आप लोग सेट कर सकते हैं, मैंने सेट किया हुआ है आई प्रोटेक्शन, जो कि आपका आंखों का ध्यान रख के मतलब ये ध्यान रखता है। और यहाँ पर फोन साइज है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कितना लार्ज मतलब लार्ज और स्मॉल रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसको आप लोग बड़ा करेंगे तो और ये बड़ा होगा और छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट पे रहता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कलर टेम्परेचर एडजस्ट, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने आप हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग बढ़ा देंगे तो वार्म हो जाएगा और यहाँ पर कूलर, तो डिफ़ॉल्ट पे मैं रख देता हूँ इसको और कट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर आता है लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर, यहाँ पर आप लोग जस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर लॉक स्क्रीन स्टाइल, लॉक स्क्रीन सेटिंग, होम स्क्रीन सेटिंग, थीम और वॉलपेपर आता है। तो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप लोग लाइट रखना चाहते तो लाइट रख दीजिए, मैगजीन रखना चाहते हैं मैगजीन रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग, यहाँ पर चेंज लॉक स्क्रीन बेस्ड ऑन थीम, तो दोस्तों इस ऑन रख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग, यहाँ पर आप लोग अगर इसको स्मार्ट लॉन्चर पर मतलब आप लोग को ठीक कर देना है और आप लोग रखना चाहते हैं मतलब सर्कुलर स्लाइडिंग स्क्रीन, तो दोस्तों इसको भी ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको होम स्क्रीन लेआउट चेंज करना है तो यहाँ पर आइएगा और मैं आप लोग दिखा देता हूँ, थोड़ा बैक होकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेआउट पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग का लेआउट इतना होगा, पहले तीन खता है अब चार का हो गया दोस्तों, यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इस तरह का हो गया हम लोगों का, तो अपने हिसाब से रख दीजिए, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से रख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों अगर मैं इसके बारे फीचर के बारे में बात करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके फीचर के बारे में बताऊँगा।